ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जब आप थोड़ा रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन वन में ना नॉर्मल लॉस है, ना नॉर्मल लॉस है, ना नॉर्मल गेन, कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ 1000 क्वांटिटी दे दिया। प्रोसेस वन में आपने 1000 क्वांटिटी लगाया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ड्यूरिंग पीरियड वाज 1000 केजी ही इनपुट है और लास्ट में जाकर प्रोसेस थ्री खत्म होने के बाद भी 1000 केजी ही बचा। यानी ये पूरे प्रोसेस चैप्टर का सबसे सिंपल, सबसे पहला संशय, ये मैंने शुरू में इसलिए नहीं कराई, ये इतना सिंपल है कि शुरू में कराने में मेरे को टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन लास्ट में मैं इसे करा देता हूँ, लास्ट क्लास में इसे करा देता हूँ। जैसे पार्ट थ्री वीडियो देख ही रहे है ना, और लास्ट क्लास अभी लास्ट क्लासेस चल रहे हैं प्रोसेस के, तो लास्ट में हम इसीलिए करा देते हैं कि कभी बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा डर न जाए। क्या होता है ना, बहुत ईजी आ गया, इतना ईजी आ गया कि दिक्कत ना हो जाए, ज़्यादा ईजी भी दिक्कत नहीं होता ना कि भैया सर इतना ही समझा है, सब समझ में नहीं है, सब में नॉर्मल लॉस नहीं था सर, वेट लॉस भी नहीं था सर, उसमें तो इनपुट ही नहीं दिया था। तो जब सब में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का चर्चा नहीं किया है, मतलब नहीं है इजी सम्स है, टेंशन खत्म करिए, चुपचाप चालू करिए। सिर्फ एक ही क्वांटिटी दिया है 1000 केजी, मतलब वही 1000 केजी इनपुट है और वही 1000 केजी आउटपुट है, वही 1000 केजी इनपुट है, वही 1000 केजी आउटपुट है, टेंशन ही लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है। मैंने क्वेश्चन में से देख कर इन्फॉर्मेशन खाली बोर्ड पर कॉपी किया है, जो क्वेश्चन ने दिया था प्रोसेस वन में, प्रोसेस टू में, प्रोसेस थ्री में छापा है, और प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल अमाउंट दिया था, उस टोटल अमाउंट को रेशियो में डिवाइड किया है। प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल अमाउंट दिया था, उसको डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में डिवाइड किया है, क्यों किया वो भी मैंने हिंदी में लिखा है। तो आप एक बार नजर दौड़ा लीजिए बोर्ड पर, नजर दौड़ा लीजिए, मैं पूरा भी समझाऊंगा, लाइन बाई लाइन आपको समझाऊंगा, एकदम चिंता नहीं करना है। चलिए श्योर, किसी को पॉज करके कॉपी करना, कॉपी कर ले या सुन ले पहले, बाद में कॉपी करना, ठीक है। चलिए मैं लिखा रहा हूँ, मैं चला करना चाहता हूँ, करना प्रोसेस वन लिखा मैंने, तो मैंने प्रोसेस में लिखा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये चार चीज दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 15000 दिया था, डायरेक्ट लेबर 12500 दिया था, डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया था। क्वेश्चन में से देख के मैंने चार पाई क्वेश्चन में गिवे, गॉट इट, इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्मेशन से दिया, टाइम वेस्ट नहीं होगी, तुम सीधा देख लो, बहुत ईजी है, खाली इन्फॉर्मेशन बैठाओगे आंसर आ जाएगा। मटेरियल का बिल अमाउंट बताया, लेबर का अमाउंट बताया, डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट बताया, प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ से आया, वर्किंग नोट वन से आया। क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल में दिया हुआ है, देखिए टोटल वाले दिया हुआ है, टोटल दिया 79500 टोटल में दे दिया, और 1 2 3 में कुछ अमाउंट नहीं लिखा है, यानी 79100 1 2 3 का है। अगर सब में डिवाइड करने का जरिया दिया है, बताया हुआ है कैसे डिवाइड हुआ, तो डिवाइड करेंगे, और नहीं तो किसी प्रोसेस में लिया जाएगा। तो देखते हैं जी लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोसेसेस एट अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोसेसेस एट अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड का जो अमाउंट है 79500 वो डिवाइड होगा डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, कौन से रेशियो में, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के हिसाब से, मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड भी डिवाइड किया जाएगा। श्योर, तो भैया प्रोडक्शन ओवरहेड को हम डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में लिखा होगा कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस में प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड हो रहा है, तो जिसके परसेंटेज में डिवाइड हो रहा है उसी का रेशियो बनाकर आप प्रोडक्शन ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस में अब्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड होगा। गॉट इट। अब कई लोग सोचते हैं सर परसेंटेज लिखा हुआ है, मतलब बोला है पहले डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज लिखा और उस परसेंट में प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करो, तो परसेंटेज निकाल कर डिवाइड करें रेशियो बनाएंगे, बात ही की है, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बना लीजिए, डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज बना के रेशियो बना लीजिए, बात सेम टू सेम। तो भैया परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बनाओ और उस रेशियो में प्रोडक्शन ओवरहेड को डिवाइड करो। तो मैंने 79500 को डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट लिखा, क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट वेजेस भी 12500 6000 8000 दिया, 12500 6000 8000 1 2 3 का, और दो जीरो काट दिया 125 60 80, फिर 5 से कटेगा 25000, 60 कटेगा 5 से 12000, फिर 80 कटेगा 16000, 5 से काटो 5 से डिवाइड करना जीरो 25 12 16, और फिर 25 12 16 को जोड़ेंगे तो 53 आएगा, क्या आएगा 53, रेशियो में डिवाइड करने का तरीका है प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री में, प्रोडक्शन ओवरहेड को डिवाइड कर दीजिए 37500 18000 24000।
जैसे प्रोसेस वन का प्रोडक्शन नंबर है 37,500, तो मटेरियल लेबर एक्सपेंस जो होता है प्रोडक्शन नंबर डिवाइड कर लिया आपने, बस नॉर्मल लॉस से कुछ है नहीं, तो पूरा प्रोसेस वन का क्वांटिटी 1000 केजी जोड़ी रहा 15,000 + 12,500 + 3,000 + 5,500 68,000 आएगा। मेरे को तो मालूम है, मेरा जुड़ा हुआ है, कभी आप अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, 15,000 + 12,500 + 3,000 + 37,500 सीधा जो बैलेंस आया उस बैलेंस का कॉस्ट पर यूनिट निकालो और उसको डाल दो प्रोसेस टू में, प्रोसेस वन का जो बैलेंस आया पूरा पूरा प्रोसेस टू में डाल दो, प्रोसेस टू में लिखो कि 1000 क्वांटिटी आया है जिसका वैल्यू है 68,000, गॉट इट। अब प्रोसेस टू का मटेरियल दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,000, क्वेश्चन दिया है 6,000, प्रोडक्शन आवर मैंने निकाला है वर्किंग नोट वन में देखिए 16,000, प्रोसेस टू का प्रोडक्शन आवर डिवाइड बाय 18,000 और नॉर्मल लॉस है नहीं तो पूरा 1000 क्वांटिटी प्रोसेस थ्री में चला जाएगा, जोड़ दीजिए, यानी फिर क्या खर्चा जोड़ना है प्रोसेस में ट्रांसफर करना है, प्रोसेस वन का खर्चा जोड़े प्रोसेस टू में डाल दिए, अब प्रोसेस टू का खर्चा लिखे, मटेरियल लिखे, लेबर लिखे, प्रोडक्शन ओवर हेड लिखे, मटेरियल लेबर दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो है तो हमने लिखा नहीं, प्रोडक्शन ओवर हेड डिवाइड किया पड़ा हुआ था, प्रोसेस टू का वो लिखा, सारा खर्चा जोड़ा दीजिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, नो नॉर्मल लॉस नथिंग, बस क्या खर्चा जोड़ना है 68,000 + 11,000 + 6,000 + 18,000 1,03,000 और ये 1,03,000 सीडीबीडी मत करेगा, सीधा प्रोसेस थ्री में डाल दीजिए और इसको यहाँ पे बैलेंस अमाउंट 1,03,000 आ गया। तो लास्ट डे बढ़ाने में यही फायदा होता है कि आप प्रोसेस कैसे आप लोग जो जो डाउट मेरे को बताए थे, हाँ एक बार फिर से मेरे को जो जो डाउट का नंबर होगा ना, मैं जो होमवर्क देता हूँ वो डाउट नंबर फिर से भेज दीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो देखने के बाद ग्रुप में लिंक दीजिएगा सर, काइंडली सेंड दिस सम्स का आंसर है ना, कि काइंडली सेंड मी द आंसर ऑफ सम्स नंबर 9 सम्स नंबर 10 सम्स नंबर 11 ना, है ना, और अगर खाली सम्स से काम चल जाएगा तो मैं खाली आंसर बना के भेज दूंगा, और नहीं तो बोलेंगे पूरा वीडियो बना के भेजने में वीडियो बना के दे दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, गॉट इट, लेकिन काइंडली भेज दीजिएगा, बिकॉज बहुत पहले आपने डाउट पूछा था है ना, बहुत पीछे तो भी मैं चेक कर लूँगा, ये हो सकता है इतना दिन में आपसे बन गया हो, तो भैया बन गया हो तो फिर समय बर्बाद करके फायदा नहीं, ये नहीं बना हो किसी कोई भी सम्स तो कुछ नहीं था, अभी मैं सम नंबर 11 कर रहा हूँ, क्या करूँगा 11, आप कॉपी कर लीजिए, वन कॉपी कर लीजिए, पॉज करके हम भी जाते हैं, पॉज करके कॉपी करिए, पॉज करके कॉपी करिए, हाँ जल्दी जल्दी कॉपी करिए थोड़ा, पॉज करके कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, चलिए इधर नंबर करता हूँ,
फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट इन द डे इंट्रोड्यूस्ड ओके यानी क्या इसको प्रोसेस अकाउंट नहीं बनाना है प्रोसेस असल में गलत पढ़िए रीड करिए फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 व्हेन नॉर्मल लॉस इज 10% 5% एट 4% और इनपुट ऑफ 1 2 3 यानी 1 2 3 तीनों का नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दे दिया और बोला फाइनल आउटपुट प्रोसेस 3 का आउटपुट बने फिनिश गुड्स बना प्रोसेस 3 का फिनिश गुड्स बना 7344 यूनिट एंड देयर आर नो एबनॉर्मल लॉस एंड नो एबनॉर्मल गेन इन एनी ऑफ द प्रोसेस कोई एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं है तो भैया नॉर्मल लॉस तो है ना तो ऐसा होता रहता है देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा हट के क्वेश्चन है अकाउंट अकाउंट बनाने बोला अमाउंट अकाउंट कुछ दिया बनिए ना अमाउंट दिया है ना अकाउंट बनाने बोला खाली बोल दिया इंट्रोड्यूस्ड कितना हुआ प्रोसेस 1 में तो मैं आपको बताता हूँ देखिए प्रोसेस वन में जो आप इनपुट लगाएंगे ना अगर मान लीजिए वो एक्स यूनिट्स है ना तो उसमें से नॉर्मल लॉस होता है प्रोसेस वन का इनपुट है तो ये बन जाता है इसको आप बोल सकते हैं प्रोसेस वन का आउटपुट या प्रोसेस टू का इनपुट समझे बेटा इसको आप प्रोसेस वन का आउटपुट भी बोल सकते हैं प्रोसेस टू का इनपुट भी बोल सकते हैं तो प्रोसेस वन में नॉर्मल लॉस हुआ एंड नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल गेन है नहीं तो प्रोसेस वन का आउटपुट बन गया जो प्रोसेस वन का आउटपुट है वही प्रोसेस टू का इनपुट होता है फिर प्रोसेस टू के इनपुट में से भी नॉर्मल लॉस हुआ कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लॉस हुआ जो तब ये बना प्रोसेस टू का आउटपुट या प्रोसेस थ्री का इनपुट बस फिर कुछ नॉर्मल लॉस हुआ नॉर्मल लॉस हुआ इसके बाद फिनिश गुड्स बन गए क्या बन गया फिनिश्ड गुड्स बन गए गॉट इट गॉट इट क्या होता कि भैया इनपुट दिया हुआ है ना इनपुट को मैंने एक्स यूनिट ले लिया कि प्रोसेस वन में मैंने एक्स इनपुट इनपुट लगाया कुछ लगाया होगा 1000 2000 कितना नहीं पता नहीं एक्स यूनिट लगाया जिसमें नॉर्मल लॉस हो प्रोसेस वन में 10% तो 10% ऑफ एक्स 10% ऑफ एक्स 10/100 ऑफ एक्स है ना काटे तो आएगा 0.1x got it तो भैया 100x में से 10% लॉस श्योर तो ये आया x माइनस 10% ऑफ x मतलब 0.1x x में से 10% माइनस हो ये आया श्योर प्रोसेस टू में अब इसका कुछ परसेंट नॉर्मल लॉस हुआ वो बना प्रोसेस टू का आउटपुट उसका कुछ नॉर्मल लॉस होगा अभी तब आएगा फिनिश गुड्स तो फिनिश गुड्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7344 श्योर तो आप एक्स लेके कर सकते हैं कोई बोलते ये एक्स है फिर एक्स का कुछ कितना परसेंट भैया कितना परसेंट 5% ऑफ एक्स माइनस 0.1x 5/100 ऑफ x माइनस 0.1x तो ये पहले इसका 5% फिर इसका 5% गॉट इट इसका 5% हो गया 0.05x इसका 5% होगा 0.1 का 5% माइनस 0.005x x का 5% लिखे मैंने 5/100 टू दी के लिए तो ये आएगा
इससे ये माइनस होगा x माइनस 0.1x माइनस 0.05x माइनस 0.005x है ना क्लियर। अब ये माइनस ये ब्रैकेट लगा दिया ये माइनस ए गॉट इट। अब बराबर लॉस है कितना परसेंट है 4% 4% ऑफ ये पूरा x माइनस 0.1x माइनस 0.05x माइनस इक्वल टू ये होता है ये माइनस ये इक्वल टू ये फिर x सॉल्व करेंगे है ना। तो कुछ लोग ऐसे x बना के करते हैं बट x बना के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। आप चाहें तो भैया ये पूरा माइनस ये पूरा इज इक्वल टू 7344 करके x सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 सॉल्व x ऑप्शन पहला ऑप्शन सॉल्व x ये पूरा माइनस ये पूरा इज इक्वल टू 7344 सॉल्व करिए x घर बैठे। और ऑप्शन टू थोड़ा इजी है इसमें हम लिखेंगे इनपुट ऑफ हम उल्टा करेंगे इधर से जाएंगे लिखेंगे प्रोसेस 3 का इनपुट जो है बेटा है ना प्रोसेस 3 का इनपुट में नॉर्मल लॉस माइनस हुआ होगा तभी तो फिनिश होता है हमारा आया हुआ प्रोसेस 3 का इनपुट में नॉर्मल लॉस हुआ होगा उसी से फिनिश गुड्स आया होगा पक्का श्योर है भैया। प्रोसेस 3 के इनपुट को हम 100 ले ले क्या ले ले 100 प्रोसेस 1 को नहीं लिए प्रोसेस 3 को 100 लिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो मैंने 1 by x लेते हैं ये अलग तरीका है ये अलग तरीका सॉल्व करने का ये अलग तरीका है। इसमें हम लोग प्रोसेस 3 से चालू करेंगे जो कि फिनिश गुड्स दिया हुआ है क्या दिया बेटा फिनिश गुड प्रोसेस 3 के बाद आता है फिनिश गुड्स याद रखिएगा। तो आप प्रोसेस 3 से चालू करेंगे तो जल्दी होगा देख लीजिए कैसे जल्दी होगा। प्रोसेस 3 का इनपुट अगर 100 है प्रोसेस 3 का इनपुट अगर 100 है तो उस इनपुट का 4% लॉस हो जाता है। प्रोसेस 3 में 4% का लॉस प्रोसेस 3 में कितना परसेंट का लॉस है 4% तो 4 लॉस हो जाता है तो बचता कितना है 96 कितना बचता है 96 तो 96 का मतलब है 7344 96 का मतलब कितना है 7344 7344 तो भैया 96 का मतलब कितना है 100 का मतलब कितना 100 का मतलब कितना डिवाइड बाय 96 * 4 ये है थोड़ा सा इजी यूनिटरी मेथड 7344 डिवाइड बाय 96 * 100 मैंने लेट क्या लिया प्रोसेस 3 का इनपुट लेट 100 है मान लेते हैं 100 पीस है तो 100 पीस में से 4% लॉस हो जाता है मैंने 96 बचता है तो 96 फिनिश गुड्स बचना चाहिए 96 का मतलब 7344 गिवन है 96 लेट है और ये एक्चुअल गिवन है तो 96 का मतलब इतना तो 100 का मतलब इतना तो आ गया मेरा 7650 ये आ गया प्रोसेस 3 का इनपुट। अब प्रोसेस 3 का इनपुट किसका आउटपुट होगा बताओ सोचो तो प्रोसेस 3 का इनपुट प्रोसेस 2 का आउटपुट होगा पक्का अगर 2 का जो आउटपुट है वही तो इनपुट है 3 का 3 का इनपुट आ गया मतलब प्रश्न में प्रोसेस 2 का आउटपुट आ गया। अब देखिए अब हम प्रोसेस 2 का इनपुट लिखते हैं इनपुट लेट लेते हैं लेट 100 अब इसको लेट 100 ले रहे हैं लेट 100 लेस नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 2 5% है
क्वेश्चन में दिया 5% लॉस 5 ईयर, तो प्रोसेस 2 का आउटपुट 95 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आउटपुट तो आया हुआ है, तो 95 का मतलब 7650, तो 100 का मतलब कितना, 7650 बाय 95 इनटू 100, 8052.63 आ रहा है। ये लेट फिनिश्ड गुड्स है और ये गिवन फिनिश्ड गुड्स है,
7344 गिवन द फिनिश 7344 तो 82.08 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, सीधा आपको इनपुट निकल जाएगा 7344 डिवाइड बाय 82.08 इनटू 100 भी करना। और अगर आप एडमेंट है हमको ऑप्शन टू ही करना है तो ऑप्शन टू करेगा, आपको एकदम फिक्स है कि हम ऑप्शन थ्री करेंगे, सिर्फ ऑप्शन थ्री कॉपी करिए। मेरे को तो ऑप्शन थ्री ज़्यादा बेस्ट लगा कि आप एक बार प्रोसेस वन को ले लीजिए 100 यूनिट और उससे नॉर्मल लॉस माइनस करते जाइए, क्योंकि हमेशा प्रोसेस वन में जो इनपुट रहता है उसका 10% निकलता है, जो बैलेंस आता है वो बैलेंस का नॉर्मल लॉस होता है प्रोसेस टू में, फिर उसके बाद जो माइनस करके आता है उसका बैलेंस का ही नॉर्मल लॉस होता है और फिर फिनिश गुड्स आता है। तो एक लेट का कॉलम बन गया, मैं लेट लेना लेट कितना लेट तो बोला था पॉज करिए, कॉपी कर लीजिए, पॉज करिए और कॉपी करिए जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों को 12 नंबर बताऊंगा। ऐसा करता हूँ कॉपी हो गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को 12 नंबर बताने वाला हूँ। 12 नंबर में क्या है, सेम दिया हुआ है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चार प्रोसेस है, 1, 2, 3, 4 लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस हो रहा है 25%, 20%, 20%, 16/2/3 16/2/3 का मतलब होता है 16.666666666%। वॉट इट प्रोसेस 1, 2, 3, 4 में प्रोसेस 1 में लॉस है 25%, प्रोसेस 2 में लॉस है 20%, प्रोसेस 3 में लॉस है 20%, प्रोसेस 4 में लॉस है 16/2/3%। और इफ द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रोसेस 4 40 LKG, एंड ऑफ द प्रोडक्ट मैंने फिनिश गुड दिया हुआ 40 LKG, एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का निकालना है मतलब इनपुट निकालना है प्रोसेस 1 का, फिर एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1 कॉस्ट इज 5 रुपीज़ पर kg, 5 रुपये पर kg। पहले निकाल लेते हैं, मिटा के मैं ऑप्शन 3 में बनाऊंगा। हाँ आप लोग ऑप्शन 1, 2 अच्छा लगता है 1, 2 मैं तो ऑप्शन 3 से बनाऊंगा। मैं हमेशा ऑप्शन 3 प्रेफर करता हूँ, ऑप्शन 3 में जल्दी होता है, ज़्यादा मतलब अच्छी है नहीं। Process 1.
प्रोसेस टू में चला जाएगा, प्रोसेस टू का नॉर्मल लॉस प्रोसेस थ्री में चला जाएगा, प्रोसेस थ्री का नॉर्मल लॉस के बाद प्रोसेस फोर में चला जाएगा, और प्रोसेस थ्री का नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ये फिनिश हो जाएगा। परसेंट इसका लॉस चालीस